बहुत गर्म है यार। ये चाय से हमारी इतनी हालत खराब हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है हमारा जो अर्थ है वो कितना गर्म हुआ करता था? वो बिल्कुल एक आग का गोला था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, पहले वो किस शेप में था, किस कंडीशन में था, फिर उसकी कंडीशन कैसे चेंज हुई, और फिर हमारे रहने लायक यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट हुआ। एवरीबॉडी, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा है कि आज से 4.6 बिलियन इयर्स अगो, यानी कि 4.6 अरब वर्ष पहले, अर्थ जो है वो सन का एक पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो सन का एक पार्ट हुआ करता था। जब अर्थ सन से अलग हुआ तो आप जानते हो कि हमारा सन जो है एक स्टार होता है, और एक स्टार की क्वालिटीज क्या क्या होती है। एक स्टार, अगर किसी को एक स्टार का टैग दिया जाता है, एक तारे का टैग दिया जाता है, तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए तब जाके वो एक तारा कहलाता है। पहला गुण उसमें ये होता है कि उसकी एक वो बहुत गर्म होता है, ठीक है। दूसरा, उसकी अपनी ऊष्मा होती है, गर्मी होती है। और तीसरा, उसका अपना प्रकाश होता है, ठीक है। तब जाके उसको एक तारे की संज्ञा दी जाती है। तो हमारा सन जो है वो एक स्टार है, और हमारा अर्थ जो है वो उसी का एक पार्ट था। अब आप बोलोगे सर आप तो मजाक कर रहे हो, उतना गर्म होता तो हम जिंदा होते क्या? भैया सब बता रहा हूं, होल्ड करो बस। अब सवाल ये उठता है कि जब अर्थ सन का पार्ट था तो ये भी उतना गर्म होगा? जब बेशक बिल्कुल ये भी उतना ही गर्म था, ये भी एक गर्म गैसों का बना हुआ बिल्कुल ये गोला था, ठीक है। फिर अर्थ धीरे धीरे ठंडा होता गया। अब ठंडा कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये ठंडा इसलिए होता गया, आप सभी जानते हो, आप सभी ने ये पढ़ा होगा आई थिंक, कि सन की जो ऊष्मा है, सन की जो एनर्जी है, वो किधर से है? वो है न्यूक्लियर फ्यूजन से। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन उसमें होता है, फिर उसमें उसकी एनर्जी बरकरार रहती है। तो जब अर्थ उससे अलग हुआ तो इसका न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें बंद हो गया। जब न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो गया तो अर्थ फिर धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और जब ठंडा होने लगा तो ये जो है ना अर्थ, ये बदलने लगा फिर लिक्विड में। और जो ये लिक्विड फॉर्म जो ये होता है, इसी को हम बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। जो लिक्विड फॉर्म जो रूप होता है अर्थ का, जो अंदर में जो लिक्विड भरा होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्मा। अब सवाल ये आता है कि मैग्मा किसे कहते हैं? तो मैग्मा, हमेशा याद रखें, पिघली हुई चट्टानों को हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल अर्थ के अंदर होता है, अर्थ के सेंटर में, ये बिल्कुल अर्थ के अंदर में तभी था। अब जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो पृथ्वी का जो आउटर लेयर है, आउटर पार्ट जो है, ये आउटर पार्ट कठोर होता गया, फ्रीज होता गया। और इस आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। अब हमारी पृथ्वी चूंकि गर्म थी और गर्मा गर्म मैग्मा से भरी पड़ी थी, तो अब हुआ ये जो गर्मा गर्म मैग्मा अंदर था और बाहर इसका जो आउटर लेयर है वो हो चुका था फ्रीज, कठोर हो रहा था, चूंकि और धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, लेकिन अभी भी अंदर से ये हीट था मैग्मा की वजह से। तो इस वजह से ये बहुत बार वॉल्केनिक इरप्शन हुआ इसमें से, ठीक है। ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, यहां से कहीं कहीं से जो ये है मैग्मा तोड़ तोड़ के, जो क्रस्ट है उसके आउटर लेयर को तोड़ के ये बाहर निकला। और ये जो बाहर निकला, इसी से हमारे जो पृथ्वी का जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, इसी से क्रिएट हुआ। इससे गैसेस बाहर निकली, गैसेस बाहर निकला जिससे कि वाटर वेपर बना, चूंकि गैस ऊपर गई इससे वाटर वेपर बना, और उसके बाद बारिशें हुई जिससे हमारा एनवायरनमेंट बना और हमारे ओशंस और ये सब बने। अब बात यहाँ ये आती है, जब ये वोल्केनिक एरप्शन होता था और निकलता था, जो नहीं निकला, जो मैग्मा अंदर है, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये चल रहे हैं, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के ऐसे विपरीत दिशा में चल रहे होते थे तो कहीं कहीं फोल्ड आता था पृथ्वी पे, धरातल पे कहीं कहीं फोल्ड आता था, बिल्कुल ऐसा फोल्ड आता था, और जिसको बोलते हैं हम फोल्ड माउंटेन्स। और इस फोल्ड की वजह से यहाँ पे पर्वत का शेप बनता था, जैसे कि हिमालय एंड ये सब जो है पर्वत के शेप ऐसे बनते थे। हम वोल्केनोस पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे पर्वत का निर्माण हुआ, कैसे क्या हुआ। उसके बाद यहाँ देखो, जो जो कहीं कहीं जो आउटर लेयर, जब जिसका पार्ट जो है ऊपर की ओर उठ गया, वो कॉन्टिनेंट्स बन गए, और जो आउटर लेयर जो नीचे की ओर, चूंकि इसमें तो खिंचाव हो रहा है अंदर से मैग्मा की वजह से पृथ्वी में, तो आउटर लेयर कहीं सिकुड़ के बिल्कुल ऊपर की ओर उठ जा रहा है, कहीं खिंचाव की वजह से वहां पे गड्ढे हो जा रहे हैं, कहीं भी खिंचाव की वजह से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर
लेयर चढ़ जा रहे हैं, तो इस वजह से जहां गड्ढों वाला हिस्सा है वहां पे ओशंस बने, और जो ऊपर जो उठाव वाला हिस्सा है वो कॉन्टिनेंट्स बने, राइट। अब देखते हैं कि अर्थ अपने अर्ली स्टेजेस में कैसी दिखती थी। तो आपने समझा कि कैसे अर्थ का एनवायरनमेंट बना, कैसे वहां पे पर्वतों का निर्माण हुआ, कैसे गड्ढों में गड्ढे हुए तो ओशन बने, और कैसे कॉन्टिनेंट्स बने। अब देखिए हमारे अर्थ का अर्ली जो डायग्राम है, जो पिक्चर है, वो कुछ ऐसा था। जो भी अर्थ जो है, जब वो जब ऐसा सिकुड़ा तो जहां पे उठाव हुआ वो कॉन्टिनेंट बन गया, ठीक है, और जहां पे गड्ढे बने वहां ओशन महासागर बन गया। तो जो हमारे अर्थ पे जो सबसे पहला कोई महासागर एग्जिस्ट करता था वो है सुपर ओशन, जिसको महा महासागर कहा जाता है, और जिसका नाम था पेंथलास, आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। और उस पर जो सबसे पहला कोई हमारा जो कॉन्टिनेंट रहा है, जो बना है सबसे पहले, वो बना है सुपर कॉन्टिनेंट, इसको बोलते थे महा महाद्वीप, और इसका नाम था पेंजिया। अब इसके बाद हुआ क्या, चूंकि मैग्मा अंदर से भरा पड़ा है अर्थ में, तो ये इसको तोड़ मरोड़ के इसको काफी सारे कॉन्टिनेंट्स में बदला। अब चूंकि अंदर जो गर्मा गर्म मैग्मा जो तैर रहा है अर्थ के अंदर, उसने क्या किया, जो सुपर कॉन्टिनेंट, जो महा महा जो महाद्वीप जो है हमारा, जो था, आई एम सॉरी, उसके उसने टुकड़े किए, ठीक है। और वो टुकड़ा करके जो इनिशियल स्टेज में है वो दो पार्ट में उसको डिवाइड किया। वो दो पार्ट में कहाँ डिवाइड किया, एक गया नॉर्थ में और एक गया साउथ में। वो दो भाग एक नॉर्थ की ओर चला गया तैरते हुए, ठीक है, क्योंकि अंदर मैग्मा है, उसको तैरते हुए टहलाते हुए ले गया नॉर्थ की ओर, और एक साउथ की ओर आके रह गया, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ और साउथ में जो कॉन्टिनेंट जो गए, इनको क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। तो जो नॉर्थ वाला जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसको हम बोलते हैं अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया, और जो साउथ में जो हमारा कॉन्टिनेंट गया उसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। अब यहां देखने वाली बात यह है, आज के टाइम में जितने भी एग्जिस्टिंग कंट्रीज हैं वो इन्हीं दो कॉन्टिनेंट्स पे जो है महाद्वीप पे अवस्थित हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कौन कंट्री कहाँ है, थोड़ा छोटा मोटा कुछ फिगर समझ लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका लॉरेशिया में जो है, पहले हम उसका देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे तो फिर यहाँ पे हम गोंडवाना लैंड भी देख लेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका आपका आ गया है लॉरेशिया में, उसके बाद यूरोप आ गया, फिर एशिया, एंड देन ग्रीनलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आईलैंड भी है। अब यहाँ गोंडवाना लैंड में आता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और इसमें एक और आता है इंडिया भी। अब यहां समझने वाली बात है, आज के करेंट टाइम में, करेंट सिनारियों में इंडिया एशिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप सोचो कि सर तो बता रहे हैं गोंडवाना लैंड में था, बिल्कुल गोंडवाना लैंड में था ये, इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका जो है इन सब से ये लगा हुआ पार्ट है। हुआ ये, चूंकि अर्थ के अंदर में मैग्मा है तो इसको तैराते हुए ये ले गया, और इसको ले जाके एशिया के प्लेट्यू से इसको हिट किया। जब एशिया के प्लेट्यू से जब ये हिट हुआ, तो हिट होने के बाद जो आज के टाइम में जो हिटिंग का जो रिजल्ट हमें दिखता है वो क्या दिखता है, माउंट एवरेस्ट। जब दोनों प्लेट्यू आपस में टकराए तो ये माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, जो कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। गाइस, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डू कमेंट व्हाट यू थिंक अबाउट दिस चैप्टर। और अगर कोई आपके जवाब है, कोई सवाल है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर हमें बताएं, हमसे पूछें। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं। बाय बाय।